तो गाइस एक बार फिर से ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है एंड दिल्ली कैपिटल फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। जो भी ऋषभ पंत के फैंस है या फिर आप कह लो जो भी दिल्ली कैपिटल्स के फैंस है, बिकॉज मैं देख रहा था बहुत लोग चाहते थे कि ऋषभ पंत कैप्टन बने। मैंने आप सभी को बोला था कि कुछ सोर्सेस से ऐसा पता लग रहा है कि शायद ऋषभ पंत कैप्टन ना बने, लेकिन वो सोर्स बिल्कुल गलत निकले हैं और ऋषभ पंत को बना दिया गया है दिल्ली कैपिटल्स का न्यू कैप्टन। अभी अभी दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये अनाउंस किया है। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, एक फोटो एंड आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक छोटा वीडियो था। वैसे मोस्ट ऑफ द जो दिल्ली के फैंस थे वो यही चाहते थे कि स्टीव स्मिथ को नया कैप्टन बनाया जाए, लेकिन ऋषभ पंत को बनाया गया। सबसे ज़्यादा वोट स्टीव स्मिथ को ही मिले थे जो मैंने पोल क्रिएट किया था उसमें। सेकेंड नंबर पर हमारे ऋषभ पंत थे जो अब कैप्टन है दिल्ली कैपिटल्स के। थर्ड नंबर पर अजिंक्य रहाणे हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। एंड उसके बाद शिखर धवन थे। बहुत लोग रविचंद्रन अश्विन को भी चाहते थे, कुछ लोग पृथ्वी शॉ को भी चाहते थे, लेकिन एंड में दिल्ली कैपिटल्स ने डिसाइड किया है ऋषभ पंत को अपना कैप्टन बनाने का। एंड ये भी ऑफिशियली दिल्ली कैपिटल्स ने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया है। वैसे तो ये पहले भी कन्फर्म था, ऑफिशियली आप कह सकते हो कन्फर्म था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि श्रेयस अय्यर अब IPL 2021 से रूल्ड आउट हो चुके हैं और IPL 2021 में एक भी मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन सपोर्ट टीम में रहेंगे श्रेयस अय्यर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली कैपिटल्स अपने फॉर्मर कैप्टन श्रेयस अय्यर पे भरोसा दिखा रही है और आप कह सकते हो नेक्स्ट सीजन में जब श्रेयस अय्यर वापसी करेंगे फोर श्योर वो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन बनेंगे। अभी के लिए तो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स का न्यू कैप्टन बना दिया गया है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाय।